हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, फाइनली वो टाइम आ रहा है जब कल्कि की अनाउंसमेंट आने वाली है बहुत जल्दी। रिलीज डेट को लेकर के क्या अटकलें लगाई जा रही हैं, सब कुछ के बारे में बात होगी इस वीडियो में। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे कल्कि का क्या नंबर हो सकता है बॉक्स ऑफिस पर, सब कुछ डिस्कस होगा इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस वक्त पे जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है वो है कल्कि 2898 एडी की रिलीज डेट, जिसको लेकर कह सकते हो 95% कंफर्म न्यूज आ रही है दैट 20th of June, यस गाइज, 20th of June 2024 will be the date of Kalki release. Yes, पिछली सारी जितनी भी अटकलें थी, जो भी बातें थी कि चाहे जून हो, चाहे जुलाई 12th हो, या फिर और भी कई सारी डेट्स थी, वो सब कुछ इस वक्त पर उन सभी चीजों पर एक विराम लगने वाला है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग जो है न्यूज ऑलरेडी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये ऑलरेडी आनी स्टार्ट हो गई, और ये काफी, इसको हम कन्फर्म न्यूज मान सकते हैं काफी हद तक, क्योंकि ये एक पूरा आर्टिकल आया है अबाउट द डेट। अभी बात करेंगे कि 20th of June का क्या सिग्निफिकेंस है। देखो, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे व्हाई द पोस्टपोनमेंट। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज, बिकॉज ऑफ, एक तो आईपीएल तो चल ही रहा है, उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो गए थे, स्केड्यूल अनाउंस हो गया था, इसी के चलते काफी फिल्मों का फेरबदल हुआ रिलीज डेट का, और कल्कि उनमें से एक फिल्म थी, क्योंकि 9th of May बिल्कुल पीक टाइम पर पड़ रही थी, जिस टाइम पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में वोटिंग डे था, इसीलिए इसको रिलीज कर दिया, इसको पोस्टपोन कर दिया गया। और इसके बाद इसकी कोई भी कहीं से ऑफिशियल अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आई है कि पोस्टपोनमेंट होने जा रहा है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने वाली है बहुत जल्दी, जिसमें हमारे पास न्यू रिलीज डेट होगी। अब ये क्यों 20 तारीख रखी गई है जून की, क्यों मे को नहीं रखा गया? कल परसों एक न्यूज आई थी 30th of May भी डेट हो सकती है, 30th of May, लेकिन मुझे वो ज्यादा लाइकली नहीं लगी, क्योंकि जब अगर हम इलेक्शन शेड्यूल की ही अगर बात करते हैं, और वही एक रीजन अगर है, तो 4th of June तक कुछ भी रिलीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि 4th of June को जाकर इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, और आई थिंक वो सारा का सारा टाइम जो है, जब तक रिजल्ट्स आएंगे तब तक और कुछ भी नहीं सोचने वाली जनता, सिर्फ और सिर्फ वोटिंग, इलेक्शन, पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर ही चर्चा होगी, वही गर्म रहेगा। इसीलिए May 30th वॉज नॉट लाइकली, मैं पहले ही उसको मान नहीं रही थी कि 30th May को रिलीज करेंगे फिल्म, वो भी एक और सुसाइडल फैसला होता अगर ऐसा होता तो। इसलिए कल्कि के मेकर्स ने बहुत सही डिसीजन लिया है कि पूरा का पूरा जून जो है, ये वाला पार्ट जो है 4th June तक का, इसको बिल्कुल ही हटा दिया है, एंड 20th of June जो है टारगेट की जा रही है फॉर द रिलीज ऑफ कल्कि। अभी यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर थोड़ी सी शंका जताने वाले हैं, क्योंकि जून ज्यादा फेवरेबल नहीं रहा है, लास्ट ईयर का जून ज्यादा फेवरेबल नहीं रहा है, प्रभास फैंस काफी डिसअपॉइंट हुए थे, हम लोग भी बहुत डिसअपॉइंट हुए थे, लेकिन मैं उस फैक्टर को इम्पोज होता हुआ यहाँ पर नहीं देखना चाहती, बिकॉज दैट वॉज समथिंग एल्स, दिस इज समथिंग एल्स। यहाँ पर कल्कि की जब बात करते हैं, प्रभास का एक ऐसा अवतार जो हमने इससे पहले नहीं देखा, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, ट्रायलॉजी में फिल्म आने वाली है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर अपनी चर्चा में है। उसके बाद प्रिल्यूड के ऊपर एक न्यूज आई थी कि प्रिल्यूड आएगा, एनिमेटेड प्रिल्यूड अबाउट द वर्ल्ड ऑफ कल्कि एंड इंट्रोड्यूसिंग अस टू द कैरेक्टर्स, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को बहुत सारे अलग अलग तरीके से दिखाया जाने वाला है। सो बहुत सी चीजें हैं, मुझे लगता है कल्कि इज द मेकर्स आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, एंड दैट्स ग्रेट कि मेकर्स नो एंड दे आर नॉट फियरफुल ऑफ ऑल दिस थिंग। कभी कभी सुपरस्टिशन भी होता है कि नहीं यार, जून के मंथ को रहने देते हैं और जुलाई में रिलीज करेंगे। देखो, 12th of July भी अगर आप देखो, कोई ज्यादा अच्छी फेवरेबल डेट नहीं थी, क्योंकि 12th of July को भी अगर आपको याद नहीं होगा तो एक और नेशनल इवेंट है, विच इज अनंत राधिका की शादी, ओके, अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट का की वेडिंग है 12th of July को, वो भी अगर हम ध्यान में रखें, क्योंकि ऑडियंस का क्या होता है कि बहुत जल्दी स्विंग कभी कभी हो जाती है कि अच्छा ठीक है, अभी ये जो टॉपिक है ये चल रहा है, अभी हम फिल्मों में इंटरेस्टेड नहीं हो रहे, अभी हम इस चीज को ज्यादा देखेंगे, इस पर व्यूअरशिप हमारी ज्यादा रहेगी, ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। इसीलिए मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छा किया कि जुलाई तक नहीं पुश किया। और फिर जुलाई में एक चीज और थी, क्योंकि पुष्पा रिलीज हो रही है अगस्त में, ये कंफर्म हो चुका है, तो पुष्पा का जो भी प्रमोशनल स्ट्रेटजी है, जो भी प्रमोशनल कंटेंट है, वो सारा जुलाई में ही आएगा मेनली। सो इसीलिए मुझे लगता है मेकर्स ने बहुत सही किया है कि जून जो है वो बिल्कुल कह लो खाली पड़ा हुआ था एक तरीके से। कुछ फिल्में थी ऐसी जो बॉलीवुड से भी आ रही है, ऐसा नहीं है, चंदू चैंपियन 14th of June को रिलीज हो रही है, अजय देवगन की फिल्म आ रही है 14th of June को, लेकिन 20th of June आई थिंक लुक्स वेरी फेवरेबल और बहुत सही डेट मुझे लग रही है, ना इधर ना उधर, एकदम सही टाइम पर फिल्म मुझे लगता है रिलीज होगी। और एक बेनिफिट रहेगा, दैट विल बी द समर वेकेशन, समर वेकेशन में सबकी छुट्टियां, बच्चों की, स्कूल कॉलेजेस की, सो आई थिंक वो समय बिल्कुल सही रहने वाला है फॉर द रिलीज। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस न्यूज, और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक पोस्टर आए, ताकि फैंस बहुत बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं इसके ऊपर, मैं भी खुद इंतजार कर रही हूँ कि हम कब एक फाइनल पोस्टर देखेंगे अबाउट द रिलीज डेट, बट फाइनली दैट्स लोडिंग। आपको क्या कुछ लगता है इस सब के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड